अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। तो दोस्तों, मैट्रिक्स मैन की आज की इस क्लास के अंदर हम एक ये सॉलिटेयर रिंग बनाना सीखेंगे, जिसकी पिक्चर आप लोगों के सामने मौजूद है। और इस रिंग को बनाने के साथ साथ हम इसके अंदर स्मार्ट पैटर्न को यूज़ करते हुए ये जो जाली आप लोगों के सामने मौजूद है ये भी हम बनाएंगे। और इसकी तस्वीर मैंने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर पहले आप लोगों के साथ शेयर भी की थी और आप लोगों को बताया भी था कि मैं नेक्स्ट आप लोगों को ये सिखाऊंगा। तो ये मेरे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी, तो उनको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी स्मार्ट पैटर्न को यूज़ करने में भी और ये रिंग बनाने में भी। तो मैंने ये रिंग बनाई है और सोचा आप लोगों के साथ इसका आइडिया भी शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि स्मार्ट पैटर्न को यूज़ करते हुए किस तरह से हम इसको जाली को बनाएंगे और ये सॉलिटेयर रिंग किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करें हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके इसको स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट सीखते हैं। तो यहाँ से मैं पहले इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से मैं मैट्रिक्स को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स को ऑन कर लिया और यहाँ लुकिंग डाउन में जाके सबसे पहले लुकिंग डाउन खोला, मैंने विंडो खोली। जेम्स में जाने के बाद जेम लोडर में गया और यहाँ थोड़ा नीचे आके एक ओवल ले लिया। ओवल मैंने लेना है 10 mm का, ये रहा 10x9। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ से एक रिंग रेल लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके। ठीक है, रिंग रेल, और यहाँ पे रिंग रेल मैंने लेना है 20 mm का, यहाँ पे नीचे जाके ये 20 mm, और इसको प्ले कर दिया। उसके बाद मैंने इस स्टोन को यहाँ ले आना ऐसे इतना ऊपर, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर, अब मैंने इस यहाँ से जो इसकी मोटाई है, मतलब कि यहाँ से ये देख रहे हैं ये थिकनेस जो है, ये वाली ये थिकनेस मैंने कितनी रखनी है यहाँ से, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन लेके कर्व लगाता हूँ। ठीक है, 2 mm का, ये इतनी मैंने यहाँ से ऊपर तरफ इसकी हाइट लेनी है। ठीक है, और इसको मैं स्टोन को थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, पकड़ के ये चीज़ यहाँ पर ले आता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ रख ली है और ये ग्रीन को मैंने इधर ले आया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अब मैंने इसकी जो है मोटाई वो रखनी है 1.5, एंटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ रखी। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखनी है 1 mm, ये मैंने यहाँ रख ली। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, पहले इसका F6 दबा के जेम प्रोफाइल में लेता हूँ। ठीक है, और स्टोन को मैं हाइड कर देता हूँ। ये स्टोन मैंने हाइड किया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ऐसे ले आया यहाँ पर। उसके बाद मैंने लुकिंग डाउन में जाके इसको मैंने ऑफ साइड करना बाहर की तरफ 0.6 का, 0.65, ये मैंने 0.65 कर दिया। यहाँ से 0.65 का ऑफ साइड लेने के बाद अब ये वाला जो हमारे पास रिंग रेल है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ से अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैं आर्क लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ रखा, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर, और ऐसे इसको बना दिया। उसके बाद एक दोबारा आर्क ली यहाँ पर और यहाँ रख के मैंने ऐसे यहाँ पर बना दिया। उसके बाद इन दोनों को मैंने कर दिया ज्वाइन, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद ये कर्व और ये कर्व मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर ऐसे मिरर कर दिया। अभी दोनों कर्व मेरे यहाँ पर आ चुके। अब मैंने यहाँ से दोबारा इंटर कर्व लेना एक, और साइड व्यू में जाना है। एक आर्क भी ले सकते हैं, इंटर करके बजाय आर्क भी हम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर रखते हैं और साइड व्यू में आ जाते हैं ऐसे, ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ ऐसे रख लेता हूँ। और अब इस कर्व को पकड़ के मैं रीबिल्ड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 पॉइंट देता हूँ उसको और प्रीव्यू करके ओके कर देता हूँ। यहाँ से इसको पॉइंट मैंने पकड़े और थोड़े से नीचे गोलाई करता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये गोलाई मैंने की और थोड़ी सी इसको यहाँ ऐसे ले आया और इसको थोड़ा सा मैंने अंदर किया यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसकी मैंने गोलाई ऐसे हल्की सी कर दी और इसको यहाँ से हल्का सा ऊपर कर दिया ऐसे। अब ये मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे अंदर किया, यहाँ पे इसको हल्का सा लाइट सा यहाँ ले आया और इसको मैं थोड़ा सा मजीद बाहर ले आता हूँ। अब मैंने इसको स्केप करके ख़त्म कर दिया कंट्रोल पॉइंट, और इस कर्व को मैंने ऐसे मिरर कर दिया, ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसको रिंग रेल को मैं लॉक कर देता हूँ और इस वाले कलर को भी मैं लॉक कर देता हूँ। ग्रीन कलर को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका हमारा जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने यह करना है, इन तमाम कर्वों को पकड़ना है, सिर्फ ग्रीन वालों को सरफेस में जाना है और कंट्रोल नेटवर्क करना है। ठीक है, कंट्रोल नेटवर्क अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे पकड़ता हूँ। ठीक है, इन तमाम कर्वों को, और इसको कंट्रोल नेटवर्क करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ और ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये शेप का घाट यहाँ पे बन के आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से ये कलर दे के लॉक कर देता हूँ, और इसको लॉक किया मैंने और इसको मैंने प्लास्टिक व्यू किया। और यहाँ से पहले मैं केज एडिट पकड़ के ट्रांसफॉर्म में जाके केज एडिट पकड़ता हूँ, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, राइट क्लिक, राइट क्लिक। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से ऐसे 1D कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको ऐसे बाहर निकाला, फिर यहाँ से इसको ऐसे मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये मैंने घाट बना लिया इसका। अब इसको मैं स्केप करता हूँ और यहाँ से प्रोस्पेक्टिव में जाके जो बॉक्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके हो गया।
अब हमने क्या करना है, थ्रू फिंगर में जाते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा साइज वाला रिंग रेल है, ठीक है, इसको पकड़, पहले सरफेस को पकड़ते हैं जो हमने बनाई है, उसके बाद सुप्लिट की कमांड पकड़ते हैं, उसके बाद ये रिंग रेल और राइट क्लिक, ये मैंने कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ से मैं अंदर से डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट किया, तो ये देखें ये मेरे पास अंगूठी की शेप बन के यहाँ पे आ चुकी है, कर्व मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें हमारे पास पूरी शेप यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक आइसो कर्व लेना है, ठीक है, यहाँ पे साइड पे जाली बनाने के लिए आइसो कर्व, कर्व मेन्यू में जाके आइसो कर्व लेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे रखते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट हम रखते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब दोबारा आइसो कर्व लेते हैं और आइसो कर्व की डायरेक्शन चेंज करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इसको नियर को खोलते हैं और यहाँ रखते हैं, सॉरी थोड़ा मैंने ज़्यादा अंदर की तरफ कर लिया इसको, इस कर्व को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और इस कर्व को मैं इधर ऐसे मिरर, सॉरी यहाँ मिरर करना है, इधर मिरर कर दिया मैंने, अब इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया, ये हमारे पास यहाँ बंद हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों कर्वों को डिलीट कर देना, इसको मैं हाइड करता हूँ और इन तमाम कर्वों को पकड़ा और यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया, ये मैंने ट्रिम कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, उसके बाद इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन किया, और इन कर्व ग्रीन कर्वों को लेके, ठीक है, जो ग्रीन कर्व है हमारी, इनको मैंने ऐसे मिरर कर दिया यहाँ पर इस तरफ। अब मैंने क्या करना है, सरफेस ली, सुप्लिट की कमान पकड़ी, इस पर राइट क्लिक किया और फिर राइट क्लिक कर दिया, अभी दोनों सर्फेसें मेरी अलग हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखें कुछ ऐसे। अब सबसे पहले मैंने इसको गेज करना है, ठीक है, ये मैंने गेज करना है इसको 0.7 का, 0.7 ये मैंने गेज कर दिया इसको यहाँ पर, ये 0.7 का मेरा गेज आ चुका है। अब मेरे पास ये जो ये शेप है ये वाली ओवल वाली, ये मैं ले आता हूँ यहाँ पर। अब इसको और इसको मैंने खोला यहाँ पर, ये वाला कर्व, ठीक है, इन दोनों को मैंने किया सरफेस में जाके पैच और यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया। अब इनको मैंने कलर देके लॉक कर दिया और इसको मैंने ऊपर की तरफ 1.4 गेज कर दिया, ठीक है, ये 1.4 मैंने इसको हाइट बढ़ा दी और सॉलिड में यहाँ से जाके फिल्टर एज, यहाँ से चैम्फर एज और ये किनारे पकड़े, राइट क्लिक, सेट ऑल 0.35, इसको मैंने यहाँ से फिल्ट कर दिया। अब ये जो सोन है हमारा, इसके यहाँ पे इसको आराम से इजीली रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ रहा है हमारा यहाँ पर, इसको ना भी करूँ तो ये देखिए हमारा यहाँ पर आराम से ईजिली बैठ जाएगा, ये हमारा स्टोन यहाँ पर ईजिली बैठ गया। फ्लिट करना चाहें तो फ्लिट भी कर सकते हैं, वैसे फ्लिट इसको बाद में किया जाएगा ताकि जो उसकी स्टोन्स की जगह है वो आराम से बन सके। तो यहाँ से इसको मैं ये वाला कलर दे देता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं स्मार्ट पैटर्न की तरफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं इसको ग्रीन कलर को करता हूँ और यहाँ से ये वाला कलर देके लॉक कर देता हूँ, क्योंकि स्मार्ट पैटर्न की जितनी भी कमांड है वो सब ग्रीन लेयर में आएंगी, ग्रीन लेयर अगर हमारी बंद होगी तो वो यहाँ पर शो नहीं होगी। तो हम ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और ये देखें ये है स्मार्ट पैटर्न, इस पर क्लिक करते हैं और नीचे विंडो हमारे पास खुल के आ गई। सबसे पहले हमने ये देखिए लिखा हुआ ब्राउज़र, ब्राउज़र पैटर्न, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक जाली उठानी है जो भी हमने पहले बनानी है, ठीक है। पहले सबसे पहले उसको हम जाली को लेंगे, जैसे ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये याद रखिएगा जब भी ये जाली हमारी आएगी ये ब्लास्ट आएगी, यानी कि इसमें गेज वगैरह नहीं होगा। समटाइम किसी में गेज होगा, कोई ब्लास्ट आएगी, कोई ब्लास्ट नहीं आएगी, तो जो यानी कि खाली जाली हो तो पहले आपने उसको कैप प्लानर करना है, उसके बाद आगे काम करना है। और इसका गेज 1 mm ही आएगा जब भी आप जाली लेंगे, कोई सी भी लें, उसका गेज हमेशा 1 mm आएगा। तो आपने पहले यहाँ पे इसका गेज जो है वो कम करना है, जैसे मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 1 mm स्केल 1D पकड़ा मैंने और यहाँ पॉइंट रख के मैंने इसको ऐसे कम कर दिया, ये कम हो गया 0.65, ओके। अब मैंने क्या करना है, अब असल काम हमने करना है वो ये, इस सरफेस को लेके हमने इसमें डाल देना जहाँ ऊपर लिखा हुआ सरफेस, और इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस यहाँ पर डाल देना। अब जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसमें डाला तो ये देखें जाली मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है, मैं यह बंद करता हूँ। ये जाली कुछ नीचे की तरफ है तो यहाँ से ये लिखा हुआ फ्लिप, मैं फ्लिप करता हूँ तो जाली मेरी ऊपर की तरफ आ गई और इसको मैं विंडो को ऊपर ले जाता हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो ये ब्लू कलर है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ से देखें ये जो है, ठीक है, इसकी जो ये चौड़ाई है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप चौड़ाई इसकी बढ़ रही है, ये इस तरह राइट और लेफ्ट की तरफ ये चौड़ाई इसकी बढ़ा रहा है ऐसे, ठीक है। तो थोड़ी सी हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये अंदर से बंद होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, रोज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस साइड पे, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ ये जाली इसकी बनाना शुरू करेगा ऐसे, ये देखें जैसे ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी जाली बनाना शुरू कर दी। अब उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि ये जो जाली है ना हमारी, ये देखिए हवा में है, यानी कि इस सरफेस से ऊपर है जाली, तो हमने इसको इस सरफेस के बिल्कुल लेवल पे रखना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चलते हैं ये जी ऑफ, ठीक है, ये जी ऑफ लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जो ही मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये देखें ये जाली जो है अंदर की तरफ जाती जाएगी, ये देखें जैसे ये जाली अंदर की तरफ जा रही है।
अब ये देखें जाली बिल्कुल इसके लेवल पे आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है ओके हो गया। ये इसलिए हमने रखनी है ताकि जब इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए औजार चले और रेती चले तो ये जब एक लेवल पे होगी तो फिनिशिंग बड़ी प्यारी और खूबसूरत आएगी। अगर ये जाली ऊपर होगी और सरफेस नीचे होगी तो फिनिशिंग भी नहीं होगी, जाली भी पतली होगी और अंगूठी भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें ये हमारी जाली परफेक्ट बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसका जो गेज वगैरह वो कर सकते हैं, कम करना चाहें ज़्यादा करना चाहें, वो मैंने पहले ही यहाँ पे कर चुका हूँ, यहाँ पे करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जाली हमारी बन चुकी है, हमारा काम यहीं तक का था। ये बाकी की जो नीचे कमांड्स हैं ये कैसे काम करती हैं इसके लिए मैं अलग से डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि स्मार्ट पैटर्न किस तरह से ये जो है बाकी कमांड्स हैं इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी के लिए हमारे लिए बस इतना ही था काम कि हमने जाली बनानी थी, वो मैंने बना दी है। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं यहाँ से बेशक डिलीट कर देता हूँ इस सरफेस को, ओके। उसके बाद इसको मैंने लिया और यहाँ पर ऐसे मिरर कर दिया, ये हमारा मिरर हो गया। और इसको मैं लेके यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको ये कलर दिया और इस पर राइट क्लिक करके मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया। तो ये देखें ये हमारी सॉलिटियर रिंग मैन रिंग जो है हमारी रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। और ये देखें और इसकी जो हमारे स्मार्ट पैटर्न को यूज़ करते हुए जाली बनानी थी वो भी हमारी जाली बन चुकी है और किसी भी किस्म की इसमें देखें कोई ख़राबी कोई परेशानी नहीं आई। और अगर आपको साइज़ भी बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से इसको काट के, जैसे मैं अपने हमेशा वीडियो में बनाता हूँ बताता हूँ कि एक कर्व यहाँ लगा के दूसरा उसको मिरर करके बीच में से काट के उसको आप सॉलिड करके यहाँ पे पैच भी लगा सकते हैं ताकि अगर साइज़ वगैरह बड़ा करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं है तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही रखना है। तो ये हमारी जो रिंग है कम्प्लीट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो है अच्छी लगी होगी और जो इसमें मैंने आपको ये अंगूठी बनाने का तरीका बताया ये भी आप लोगों को समझ आया होगा, स्मार्ट पैटर्न को यूज़ करते हुए किस तरह से जाली बनाई जाती है ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मज़ीद स्मार्ट पैटर्न के बारे में मैं आप लोग इंशाल्लाह ताला कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा और उसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।